पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। तुम्हारा गृह प्रवेश तो हो गया, चलो अब सुहागरात के लिए तैयार हो जाओ। सुहागरात नहीं मनानी चंद्रा, यही तो एक रात होती है जहाँ पति और पत्नी एक दूसरे से मन से मिलते हैं और अपने आगे आने वाली जिंदगी की शुरुआत करते हैं। अगर तुम सुहागरात के नाम पे इतना घबरा क्यों गई? नहीं, मैं वो अरे घबराइए मत, उर्वशी भाभी बस आपकी टांग खींच रही थी। अच्छा चलो, अब ये जो जेवर तुमने पहने हैं ना, वो मुझे निकाल के दे दो। क्या है ना, बहुत कीमती है, अगर खो गए तो पूरी जिंदगी लग जाएगी मगर चुका नहीं पाओगे। चंद्रा एक बात कहूँ कि तुम ये हार वापस ना करके ऐसे और हार ले आओ तो? मतलब? चंद्रा हमारी नीयत साफ है, लेकिन केवल साफ नीयत से जिंदगी नहीं चलती। उनके बेटे की पत्नी बनकर उनके घर में रहो और ऐसे हार का इंतजाम कर लो। जल्दी से निकाल के दे दो, मैं तिजोरी में रख दूंगी। लाओ लाओ। तिजोरी? कौन सी तिजोरी? तुम्हें तिजोरी के बारे में क्यों जानना है? चोरी करने का इरादा है। मैं क्यों चोरी करूंगी? अरे भाभी, उर्वशी भाभी तो मजाक कर रही हैं। बात तो सही है, अब अगर चोरी नहीं करनी है तो लाओ सारे जेवर निकालो, निकालो निकालो जल्दी जल्दी। वैसे एक बात बताओ चंद्रा, सिंदूर लगाते वक्त ये हार तो तुम्हारे गले में था ही नहीं। मुझे भी नहीं दिखा था। नहीं नहीं था, बिल्कुल था, मेरे गले में ही था। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर खाओ अपनी बहन की कसम, जिससे तुम इतना प्यार करती हो कि शादी के बाद अपने ससुराल तक ले आई, खाओ। नहीं, तारा की झूठी कसम नहीं खा सकती कभी। हाँ आप सही कह रही हो, उस वक्त ये हार मेरे गले में नहीं था। देखा देखा कंचन, मैंने कहा था ना कि दुल्हन के गले में हार नहीं है। अगर हार आपके पास नहीं था तो कहाँ था? हाँ कहाँ था? वो हार सिंदूर के समय दुल्हन की बहन के गले में था। दुल्हन की बहन के गले में था। झूठ। सच? देखिए चंद्रा की कसम। हमने ये हार है ना दुल्हन के लिए दिया था, दुल्हन की बहन के लिए नहीं। चंद्रा जरा संभल के रहना, सिंदूर लगाते वक्त तो इन्होंने हार ले लिया था, कहीं ऐसा ना हो कि शादी के बाद तुमसे तुम्हारा पति भी ले ले। अरे अभी अभी तो कंचन ने बताया कि मैं बहुत मजाक करती हूँ। इनके चेहरे का सन्नाटा बता रहा है उर्वशी, अंदर कुछ ना कुछ तो तूफान मचा हुआ है। जल्दी चलिए, वहां अंगूठी ढूंढने वाली रस्म के लिए आप सबको बुला रहे हैं। जी मैं कपड़े बदल के आती हूँ। ठीक है चलिए। चलें भाभी। चलो कंचन आओ। तू कहाँ जा रही है? वो तेरा और सामान बचा है ना, वो भी ले आती हूँ।
मैं इन सब रस्मों और जेंटलमैन बाबू से जितना दूर रहूं उतना अच्छा। बस कैसे भी करके सुहागरात से पहले तिजोरी से सारे गहने चोरी करके मुझे भागना होगा। अभी अंगूठी मैं इस पतीले में छुपाने वाली हूँ। जिसे अंगूठी पहले मिली समझो पूरी जिंदगी चित भी उसकी अटपट भी उसकी। देवर जी आज ही मौका है, सोच समझ के खेलिएगा। अगर हार गए ना तो पूरी जिंदगी पछताना पड़ेगा, इसे हारिएगा नहीं। भाभी जीत कर आना, हारना मत। देवर जी देख लीजिए, हारना नहीं है वरना पूरी जिंदगी पछताते रहेंगे। अरे देखिए देखिए वहाँ पर हो गई, जल्दी जल्दी, अरे आप हार जाएंगे, जल्दी कीजिए। क्या कर रहे हैं देवर जी, मिले क्या मिले, जल्दी ढूंढो ध्रुव बाबू, चल मेरे भाई बता दे किसका पलड़ा भारी है। ध्रुव बाबू हारना नहीं है, भोजा इसे मतलब पूरी जिंदगी बचाते रहेंगे। अरे देखिए देखिए वहाँ पर हो गई, जल्दी जल्दी, अरे आप हार जाएंगे, जल्दी कीजिए। उस दिन बारिश में जब मिले थे तो छूने का एहसास अलग था, आज वैसा क्यों नहीं लगा जैसा उस दिन लगा था। मुझे इसका चेहरा देखना होगा। क्या ध्रुव, अरे भाई सर इतनी भी क्या जल्दी है, भूल गए बाबूजी ने क्या कहा था, भाभी का चेहरा सबसे पहले माँ देखेगी। कंचन बिल्कुल सही कह रही है देवर जी, आप थोड़ा संयम रखिए, आपको भी मौका मिलेगा अपनी दुल्हन का चेहरा देखने का। सुहागरात पे मेरा मुंह तो तब देखेंगे ना जब मैं यहाँ दिखूंगी, मैं उससे पहले ही यहाँ से गहने लेकर भाग जाऊंगी अपनी पृथ्वी के साथ। रीति रिवाज तो यही है कि बहू का मुंह सबसे पहले सास दिखती है। चल ये रस्म भी पूरी कर देते हैं। माजी माजी वो क्या मैं आपसे एक विनती कर सकती हूँ? हाँ ये रसम अकेले में कमरे के अंदर कर सकती हूँ? क्यों, या सबके सामने करने में कुछ गलत है क्या? नहीं नहीं माँ जी, कुछ गलत नहीं है इसमें, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, अकेले में सबके सामने नहीं कर पाऊंगी, बस इसीलिए। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।